भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाता है। गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्मदिवस के अवसर पर आरंभ किया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों से प्राप्त किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक उत्तरीय प्रदान की जाती है। यह सभी देशों, जातियों, लिंग के लोगों के लिए खुला है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था तथा बाल मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार 2009 में द चिल्ड्रेंस लीगल सेंटर को दिया गया था। 6 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने यह पुरस्कार कुष्ठ रोग के लिए व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर NS धर्मसक्तु और संस्थागत श्रेणी के तहत कुष्ठ मिशन ट्रस्ट को प्रदान किया। इस पुरस्कार के लिए लोगों का चयन भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का न्यायाधीश एवं 2 उत्कृष्ट लोग मिलकर करते हैं। इस पुरस्कार के लिए पूरे विश्व से कोई भी अपना नाम दे सकता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नेतृत्व पुरस्कार द लीडरशिप अवार्ड के श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है।